हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स का मेंटर ओम शर्मा, और हम सब एजुकेटर्स की तरफ से आपका वेलकम है हमारे स्केप वेलोसिटी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज का जो सेशन रहने वाला है हमारा, वो फंक्शन चैप्टर के अंदर हम ऑड और इवन फंक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, और ऑड और इवन फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम आगे तो पीरियोडिक फंक्शन, और कुछ मैंने होमवर्क दिया था इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के बारे में, एक दो क्वेश्चन दिए थे, वो डिस्कस करेंगे, और फिर कुछ और थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद हम पीरियोडिक फंक्शन आज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, ये है हमारे लेक्चर नंबर 27। चलिए थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता दूं इस चैनल पर मेरे टाइमिंग के बारे में, क्योंकि रोज़ रोज़ नए नए स्टूडेंट चैनल पर आ रहे हैं, तो सबको मैं ब्रीफ कर देता हूँ क्या है। मॉर्निंग में 11 o'clock वी मीट फॉर अलजेब्रा पोर्शन, जिसमें चल रहा है बायनोमियल थ्योरम, और 8 बजे जो हम मिलते हैं, ये वाली टाइमिंग है, इस पर हम डिस्कस करते हैं कैलकुलस का जो टॉपिक है, दैट इज़ फंक्शन। फंक्शन में हम पहुंच चुके हैं, तो मैंने सारे आपको इंडिविजुअली अलग अलग टॉपिक्स पढ़ा दिए, पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा दिया, फ्रैक्शनल पार्ट पढ़ा दिया, सिग्नम फंक्शन पढ़ा दिया, मॉडुलस पढ़ा दिया, लॉग पढ़ा दिया, अब उनके बाद डोमेन और रेंज हमने सीखी, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन के 5 वीडियोस बनाए थे, आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था, जिसमें 1-1, ऑन टू, इन टू, सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, वो डिस्कशन किया था। आगे बढ़े हैं उसमें थोड़ा सा, और हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने सीखा ऑड इवन फंक्शन, वो हम सीख रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे पीरियोडिक फंक्शन, उसी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन, और उसके बाद हम सीखेंगे कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, और फिर फंक्शनल रिलेशन के क्वेश्चन करके इस चैप्टर को हम पैक करेंगे, फिर हम लिमिट पर जाएंगे, कंटिन्यूटी पर जाएंगे, ये सारे जो डिफरेंशियल कैलकुलस की चेन है वो पूरी यहाँ पर आ जाएगी। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैं बेटा आपको कोटा से पढ़ा रहा हूँ। दिस इज़ माई 13th ईयर इन टीचिंग, द पास्ट 12 ईयर्स से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, और ये मेरा 13th ईयर है, और अब मैं हूँ आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर। अब जगह की कंस्टेंट नहीं है, प्लेस की कंस्टेंट नहीं है, मैं कोटा में रहते हुए भी आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखा सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो हम ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, इसमें आप डुबकी लेते जाइए, डूबने आपको आपके मेंटर्स देंगे नहीं, आपको बहुत अच्छा तैराक हम बना देंगे उसके अंदर, बहुत अच्छा स्विमर हम उसके अंदर बना देंगे, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसको अच्छे से फाइट ज़रूर दे पाएंगे। ठीक है, सो दे अदर थिंग्स, आई बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT बॉम्बे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं मेंटर कर चुका हूँ। ठीक है, और आप लोगों को भी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन में आ गए हैं। अच्छा, आपको दो काम करना है बेटा, दो ऐप इंस्टॉल करनी है, जो बार बार मैं बोलता हूँ। पहली तो है अनअकैडमी की, आई थिंक अनअकैडमी की ऐप तो आप लोग इंस्टॉल कर चुके होंगे, अगर कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए। और सेकंड जो आपको काम करना है, आप इस URL पर जाइए, unacademy.com@omsir, डेस्कटॉप से भी जा सकते हैं, या आप मुझे सर्च करेंगे तो आप पहुंचेंगे इस वाले पेज पर, यहाँ जाके आप मुझे, आपको विश करते हुए मिलूंगा। ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लाइफ में, हर चीज़ में, एग्ज़ाम्स के परस्पेक्टिव से सब चीज़ें मिलने वाली हैं, आप यहाँ पर फॉलो करिए। तो आपको यहाँ पर कंटेंट की, कोर्सेज की, स्पेशल क्लासेस की, टेस्ट की, क्विज की, सारे इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे कोर्सेज पर आने वाली है, सबका आपको इंटीमेशन, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा। तो फॉलो करने के बाद आप मेरे कुछ रिकॉर्डेड लेसन्स हैं उनके बारे में देख सकते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के 42 क्वेश्चंस के कोर्स बनाया हुआ है, एक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, और 18 ईयर का JEE मेन के क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस किए हुए हैं जो मैंने बनाए हैं इसके ऊपर, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हमने बनाया है। ठीक है, और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के ऊपर भी मैंने लास्ट 42 ईयर से क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे कि कौन कौन से और प्लस वाले कोर्सेज हैं। ये तो है रिकॉर्डेड कोर्सेज की कहानी, अब जो प्लस वाला कोर्सेज होता है, जिसमें हम अनअकैडमी प्लस पर लाइव में पढ़ाते हैं, आप और हम डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं बहुत अच्छे से, कैसे करते हैं आपको बता दूं थोड़ा सा मैं। दो कोर्सेज वहाँ पर चल रहे हैं बेटा, एक 1 PM पर है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है अभी, और एक है 6 PM पर जिसमें हमने स्टार्ट किया है कैलकुलस। तो मैथमेटिक्स की दोनों ब्रांच यहाँ पर स्टार्ट की हुई है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन हुआ है, सबने यही बोला है कि सर प्लस वाला प्लेटफॉर्म पर जो फीलिंग आती है पढ़ने की, वो बहुत ही बेहतरीन आती है, जिस तरह से आप वहाँ पर हम डाउट्स पूछ लेते हैं, या और भी हमें कोई डाउट होता है तो हम स्क्रीनशॉट खींच के वो क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं, फिर वो डिस्कशन होता है। पढ़ाने का तरीका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि दे आर लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तो लेक्चर 4 जो होता है वो हमेशा एक डाउट सेशन होता है। 3 लेक्चर्स में आपको थ्योरी पढ़ा दी गई है, कुछ एग्जाम्पल से प्रॉब्लम डिस्कस की गई है, लेक्चर 4 होता है सिर्फ डाउट हमेशा, फिर लेक्चर 5 आएगा, लेक्चर 6 आएगा, लेक्चर 7 आएगा, फिर लेक्चर 8 वापस से डाउट सेशन होगा,
ये इसलिए है ताकि आपकी जो लर्निंग हुई है उसको हम एक बार समराइज कर सकें हर 3 लेक्चर के बाद, और जो भी आपके पास मटेरियल है चाहे वो कहीं का भी हो, आपके पास कोई बुक हो, आपके पास कोई और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पड़े हुए हों, ये सब तो हम कवर करते ही, या आपके पास कोई और मटेरियल आपने कहीं और का परचेस किया हुआ हो, सब डिस्कस करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन किसी एक चीज़ को बिलोंग करता नहीं है, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप करना चाहें वो हमारे कंटेंट से भी कर सकते हैं, आपके पास कोई और कंटेंट पढ़ा हुआ तो आप वो भी हमसे इस डाउट सेशन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि हमने आपको पढ़ाया, आपने डाउट पूछे, 2 प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं, तीसरा जो प्रोसेस आता है बेटा वो आता है फिर टेस्ट वाली बात। तो टेस्ट वाली बात भी हमारे अनअकैडमी पर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज वाला पार्ट भी है। तो फिर लर्निंग, डाउट्स हो गए, और फिर हम टेस्ट और क्विज़ पर आ चुके हैं। गॉट दिस पॉइंट? तो यही किसी एकेडमी या किसी कोचिंग का पैटर्न भी यही होता है। तो अगर किसी कोचिंग और एकेडमी का पैटर्न भी यही है, ये है, अब आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई द नेम इज़ अन अकेडमी। गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, अब इसका मैं चार्जेस आपको बताता हूँ। चार्जेस भी बेटा जैसे मैंने बताया बहुत ही कम है, नॉमिनल से चार्जेस हैं। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट एक ही फिक्स्ड अमाउंट में मिल जाते हैं, और वो अमाउंट है 40,000 का, 2 साल का। आप ये कोड यूज़ में लीजिए, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, तो आप पहुंच जाएंगे 36,000 पर। तो अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 2 ईयर्स का, तो दिस विल बी 36,000। ओके, और अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या ड्रॉपर हैं जिसको कि हम 13th भी बोलते हैं, तो आप फिर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, आपको ये मिलने वाला है 22,500, 22,500 का, 22,500। लेकिन कब? जब आप ये वाला कोड यूज में लेंगे। ओम सर क्या कोड है भाई? ओम मेरा नाम है, ओम शर्मा सर आप मुझे बोलेंगे तो ओम सर कोड हो गया आपके लिए फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। आप यूज़ करिए इसको, आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो डिस्काउंटेड मनी है इससे आप और बुक्स खरीदिए, स्टेशनरी का सामान खरीदिए, जो आपको चाहिए, रजिस्टर, कॉपी, पेन। तो बेनिफिट ये फाइनेंशियल वाला, इस कोड को याद रखें और सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इसमें बेटा ऐसा नहीं कि बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कराने वाले हैं, आपको पूरा जेई एडवांस का कंटेंट लास्ट तक हम लोग, आप और हम साथ में बने रहेंगे। ठीक है, तो दोनों सब्सक्रिप्शन प्लान मैंने आपको बता दिए। तो आप 1 ईयर का लेते हैं तो आपको ये मिलता है 22,500, 2 ईयर्स का लेते हैं तो आपको मिलता है 36,000। रिमेंबर द कोड, रेफरल कोड आप यूज में ले लीजिए, ओम सर, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक पर। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था आपको, और ये बताना था कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ये क्वेश्चन था। तो चलिए अभी बना लेते हैं, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप, या आपको 30 सेकेंड देता हूँ, पता करके बता दीजिए। डेफिनेशन क्या होती थी कि एक्स को माइनस एक्स से अगर हम रिप्लेस करें तो वापस अगर सेम फंक्शन आ जाएगा तो बन जाता है इवन फंक्शन, और अगर नेगेटिव आ जाता है तो बन जाता है ऑड फंक्शन, और इन दोनों में अगर कुछ भी नहीं होता है तो फिर तीसरी कैटेगरी एक और होती है, नाइदर इवन नॉर ऑड, नैनो फंक्शन। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन ऑड या इवन ही हो। ठीक है, तो बनाते हैं इसको, आप ट्राई कर रहे हैं कर लीजिए। वैसे तो ये होमवर्क था, तो अगर आपने कल की क्लास नहीं की अटेंड तो आप ले सकते हैं, चलो 30 सेकंड ले लो, बनाने की कोशिश करो, आधा अधूरा जैसा भी आपसे बनता है बस बन जाएगा, 30 सेकंड से ज़्यादा इसमें टाइम लगने वाला है नहीं, बनाने की कोशिश करिए, ज़रूर बनेगा। लॉग में है 1 - x / 1 + x, दैट्स इट। तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे हम सभी। ये रहा एफ ऑफ माइनस एक्स, यहाँ से हम पहुँचे, यहाँ बनेगा लॉग, ये बनेगा 1 + x / 1 - x। गॉट दिस पॉइंट? तो यहाँ आ जाएगा 1 - x / 1 + x, इसका पावर -1 लिख सकते हैं, इसको पलट देंगे, -1 बाहर आ जाएगा, तो नेगेटिव आ रहा है 1 - x / 1 + x। ये लिखा हुआ, ये सेम के आगे माइनस लगा हुआ है, तो बन गई अपनी कहानी, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, बन गई बात। तो ये कैसा फंक्शन है? दिस इज ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए ये तो था होमवर्क, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बारे में बताना है आपको, एफ एक्स की वैल्यू है के, के है कांस्टेंट, और हमें ये डिस्कस करना है कि ये जो फंक्शन है ये किस कैटेगरी में जाएगा, ऑड में जाएगा या इवन में जाएगा, ये क्वेश्चन है मेरा। सोच के बताना, आराम से सोच के बताना, या ये डिपेंड करता है, ये भी बात है। ठीक है, तो सोचिए, देखिए, परखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके अंदर कि क्या होगा इसका वैध डेटा।
एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट बनाने की करिए कोशिश कि कैसे हम इसको सॉल्व करें, कैसे हम इसको बनाएं। सर कॉन्स्टेंट फंक्शन है, बिल्कुल हाँ भाई कॉन्स्टेंट फंक्शन है। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो नहीं है या फिर कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो है। ठीक है, तो देखिए अगर कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो नहीं है तो फिर माइनस एक्स भी रखते हैं ना तो वैल्यू के ही आने वाली है। इसका मतलब ये तो कैसा फंक्शन हो गया है इस वाले केस में, इवन फंक्शन रहेगा। ठीक है बात, अब मैं चलता हूँ आगे। अगर ये जीरो है इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो पूरी वैल्यू ही उसकी जीरो है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि भाई एफ ऑफ माइनस एक्स बताइए तो माइनस एक्स पर भी जीरो ही आएगा। लेकिन जीरो को हम दो तरीके से देख सकते हैं बेटा। जीरो ही एक ऐसा नंबर है जिसके आगे माइनस लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज करो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा तुम्हारे टेस्ट में इतने नंबर आए हैं कि अगर मैं तुम्हारे माइनस लगा दूं तो तुम्हारे मार्क्स चेंज नहीं हो रहे हैं। समझ रहे हो इस बात को? सपोज करो आपके 5 मार्क्स आए हैं 10 में से और मैंने बोलता मैं आपके मार्क्स से आगे माइनस लगा देता हूं पर आपकी रैंक नहीं बदली। तो अगर 5 मार्क्स से कहा माइनस 5 मार्क्स से रैंक, क्या बहुत चीजें बदल जाएंगी? लेकिन एक नंबर ऐसा है जिसके आगे अगर हम जीरो लगा दें तो फिर रैंक नहीं बदलने वाली, वो नंबर है जीरो। जीरो का अगर हम माइनस लगा देंगे तो माइनस जीरो भी जीरो ही होता है। तो अगर मैंने ये बोला आपको कि आपके इतने मार्क्स आए हैं, चलो आपके नहीं मानते मेरे मान लेते, मैंने एक टेस्ट दिया और मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तुम लोगों ने मैथमेटिक्स में जवाब दिया कि सर आपके इतने नंबर आए हैं कि अगर हम आपके मार्क्स से आगे माइनस लगा दें तो आपकी रैंक नहीं बदल रही है, तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे जीरो नंबर आए। समझ गए, ये है मैथमेटिक्स की ब्यूटी मेरे प्यारे बच्चों। जीरो ही एक ऐसा नंबर है इसे आगे माइनस लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये जीरो जो लिखा हुआ है इसको हम कैसे बना सकते हैं? एक बात तो ये बोलेंगे सर ये तो कोई एफ एक्स आ गया है, एफ एक्स आ गया है तो ये तो इवन फंक्शन है। अब इसी कहानी को मैं ऐसे समझा देता हूँ कि देखो ये जीरो है ना, मैं जीरो के आगे माइनस लगा देता हूँ, ये लो बन गया माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी ऑड फंक्शन आ गया है। तो क्या कहानी निकल के आती है कि जब फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी तो ये दोनों होगा, ये ऑड फंक्शन भी होगा और इवन फंक्शन भी होगा। ये दोनों फंक्शन होंगे एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ऑड फंक्शन होने के साथ साथ इवन फंक्शन भी होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे चलें, समझ गए बात। तो अगर जीरो के अलावा कोई और फंक्शन है तो देख लीजिए हमेशा इवन फंक्शन रहेगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो। लेकिन अगर जीरो है तो जीरो अकेला ऐसा फंक्शन है जो ऑड फंक्शन भी होता है और इवन फंक्शन भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस वाले क्वेश्चन के बारे में आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है या फिर ये नैनो है, नाइदर इवन नॉर ऑड। टेक योर टाइम और इसको शुरुआत से स्टार्ट कर दीजिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। बनाने की ट्राई करिए सभी, जरूर बनेगा ये क्वेश्चन। कुछ नहीं करना, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, पर लास्ट में जाते जाते श्योर हो जाना कि कौन सा केस आ रहा है, ऑड वाला आ रहा है या इवन वाला आ रहा है या फिर नाइदर इवन नॉर ऑड वाला केस आ रहा है। जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ माइनस एक्स करने पर एफ एक्स बने या माइनस ऑफ एफ एक्स बने, हो सकता है कुछ और ही बन रहा हो, दैट कैन बी ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी। उस केस में हम नैनो को मार्क करते हैं नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, तो टेक योर ऑन टाइम, फाइनलाइज करिए आंसर को, श्योर हो जाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा पेन वेन चलाओ, सिर्फ यूट्यूब देखने से थोड़ी काम चलेगा, पेन चलाएंगे तो फिर दिमाग चलेगा तो डाउट आएगा तो फिर और अच्छे से दिमाग में बैठेगा जब वो क्लियर हो जाएगा कि अच्छा क्वेश्चन को ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों मेरे, बनाने की कोशिश करिए, सभी फ्रेंड्स बनाइए। तो बेटा ये क्वेश्चन हो जाएगा, तुम थोड़ी सी एफर्ट डालो इसके ऊपर। चलो मैं बता देता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स लिख लेते हैं, यहाँ है e पावर माइनस एक्स, यहाँ रहेगा e पावर माइनस एक्स माइनस वन और यहाँ है x बाय टू प्लस वन। वन अपॉन e पावर x माइनस वन, आगे बढ़ते हैं, एलसीएम ले लेंगे इसका, बनी बात। अब थोड़ा ध्यान से देखो इसको क्या हो रहा है, ये था अपना एफ एक्स और ऐसा आ रहा है एफ ऑफ माइनस एक्स,
कुछ बात नजर आ रही है? यहाँ x भी ठीक है, यहाँ भी x ठीक है, कि माइनस यहाँ से हटाओ, कोशिश करो x को हटाने की। अभी तो हमें सेम नज़र आ नहीं रहा है, तो e पावर x मैंने कॉमन ले लिया और माइनस वन और प्लस वन ऐड कर दिया इसके अंदर। ओके, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो e पावर x माइनस वन बन जाएगा और ये रहा x, और e पावर x में वन ऐड किया, वन सब्सट्रैक्ट किया। अब ये इससे डिवाइड होता है अगर, तो कितना बन जाएगा x, और इसको आगे और लेके चलते हैं। अब बन जाएगी कहानी, अब थोड़ा सा आप ट्राई करो, अब पहचान जाओगे। तो छोटी सी ट्रिक बनी हुई है, इसको देखकर ये मत बोल देना कि सर ये तो नैनो आ रहा है। ओके, देखते हैं आता है या नहीं आता है। अगले वाले में छोटा सा हमने इसको सेम बनाने की कोशिश करी। तो मैथमेटिक्स में ये ट्रिक्स बहुत कॉमन होती है बेटा, कि एक जोड़ के एक घटा देना, बेवकूफ़ बनाने वाली बातें, कि एक ऐड कर दिया एक माइनस कर दिया, बात तो सेम ही रहेगी। तो बनाने की कोशिश करते हैं, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, तो आप पहुंचेंगे x पर। यहाँ है x और डिवाइड में आएगा e पावर x माइनस वन माइनस एक्स बाय टू प्लस वन। अब यहाँ x से यहाँ माइनस एक्स बाय टू है, तो हम कहाँ तक पहुँचे? हम यहाँ पहुँच गए हैं x बाय टू प्लस वन। गॉट दिस वन? चेक कर लो डेटा को फिर से, मैं हट जाता हूँ सामने से, आप चेक कर लीजिए पूरा डेटा क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे सभी, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ध्यान रखिए, ट्राई करते रहिए। आसान टॉपिक है, वैसे भी इजी टॉपिक है। तो क्या देखा हमने? ये तो सेम फंक्शन आ गया है यहाँ पर निकल कर, और ये बन गया है एफ एक्स, दैट मीन्स इट इज़ एन इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? इवन फंक्शन है, यानी ये नैनो वाली बात गलत थी। तो आधा अधूरा सॉल्व नहीं करेंगे, लास्ट मोमेंट तक चेक करेंगे, श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई सेम आ रहा है नहीं आ रहा। इसको करने का ऑब्जेक्टिव तरीका भी है। कैसे? सर एक बार वैल्यू वन पर निकाल लेता हूँ, एक बार वैल्यू माइनस वन पर निकाल लेता हूँ, अगर दोनों पर सेम आ जाएगी तो ठीक है बात, फिर एक बार टू पर निकाल के देख लेंगे, एक बार माइनस टू पर निकाल देंगे। बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, और वो वन और टू पर ही पता चलेगा, कई बार दिक्कत भी हो सकती है। तो हमने जनरलाइज में वे में इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। 2x sin x plus tan x upon 2 greatest integer, greatest integer function है, greatest integer function की बात की हुई है, और यहाँ लिखा है 2 plus x upon pi minus 3, ये function दिया है, और question वही से सेम है कि odd function है या even function। तो हमने question को थोड़ा सा difficult कर दिया है, पर हम लगाएंगे दिमाग, घबराने की हमें कोई बात इसके अंदर नज़र आ नहीं रही है। तो मेरे प्यारे students, अलग बनाइए। बना लोगे? थोड़ा टाइम दे दो आप लोगों को बनाने का, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको। चलो आप लोगों के लिए, आपको मालूम है ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर कोई इंटीजर लिखा हुआ हो तो क्या होता है, इंटीजर बाहर आ जाता है। सो 2x sin x plus tan x, ये 2 बाहर आएगा और ये बन जाएगा 2 plus ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अपॉन पाई ब्रैकेट, और यहां आएगा माइनस 3। तो हम कितना पहुंचेंगे? हम पहुंचेंगे 2x साइन एक्स प्लस टेन एक्स, डिवाइड में ये 4 और माइनस 1 ये बन जाएगा 3। ठीक है, ये डेटा बन गया है। अब बनाने की कोशिश करते हैं इसको कि ये ऑड फंक्शन है या ये इवन फंक्शन है, दैट इज द क्वेश्चन। सिंप्लीफाई कर लिया, निकाल सकते हैं इसको, ये छोटी सी कहानी यूज में ले ली। ओके, नहीं आता हो तो मैंने यहाँ पर बॉक्स बना के प्रॉपर्टी लिख दी है, अगर कोई भूल गया हो रिवाइज करना तो पिछले वाले लेसन से मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर की काफ़ी बात की है, आप देखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक लेक्चर है, 8, 9, 10 या 11 नंबर पे होगा, उसको जाकर देखना। ठीक है, अब ये है हमारा फंक्शन। अब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की एक और प्रॉपर्टी होती है, याद करो वो क्या होता है, वो होता है कि एक्स प्लस माइनस एक्स जो होता है, इसके दो रिजल्ट आते हैं, जब एक इंटीजर हो तब, और दूसरा जब वो इंटीजर नहीं बनेगा तब। तो ये दोनों क्या रिजल्ट आते हैं सोच के बताइए, अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक इंटीजर वैल्यू ले लें तो चेक कर लें क्या आएगा, आप एक नॉन इंटीग्रल वैल्यू रख लें तो भी चेक कर सकते हैं क्या आने वाला। थोड़ा ट्राई करिए, दिमाग लगाइए, आ जाएगा आंसर, तब जाके पता चलेगा। तो ऑड और इवन लगने में आसान टॉपिक होता है, लेकिन आसान है नहीं, क्योंकि डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है। फंक्शन ऐसा बना दिया तो हमें पसीने आ जाएंगे चेक करने में कि कैसा बनने वाला है। ठीक है, बनाओ। एक बार इंटीजर ले लो, एक बार इंटीजर मत लो। स्क्रीन से इसलिए हटाऊं क्योंकि इधर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके,
आपको पूरी स्क्रीन एक बार दिख जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ, उसको देख लें आप, परख लें, फिर हम आगे बढ़ें। तो इंटीजर ले लेते हैं ना, इंटीजर ले लिया, वन ले लिया, वन ले लो। वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर वन, माइनस वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस वन, और वन और माइनस वन ऐड हो गए कितना बन गए, जीरो, ये तो जीरो आएगा। नेक्स्ट इंटीजर नहीं लेते हैं तो कोई वैल्यू पिक कर लो, 1.2 ले लेते हैं, तो 1.2 ले लेंगे हम, 1.2 माइनस 1.2, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आता है और माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है माइनस 2, यह है माइनस 1, ठीक है। अब इसकी जरूरत है या हमें किसकी जरूरत है, हमें तो इसकी जरूरत है x अपॉन पाई वाले की, तो बनाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, एफ एक्स अपने पास लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं हम कितना था, 2x साइन x प्लस कॉस एक्स, साइन x प्लस टेन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस 2 टाइम्स x अपॉन पाई एफ ऑफ माइनस एक्स हम रखेंगे, यहां है 1 प्लस 2 और यहां आएगा माइनस एक्स अपॉन पाई। गॉट दिस पॉइंट, सिंपल कर लो इसको और थोड़ा। साइन का माइनस थीटा माइनस बाहर, टेन का माइनस थीटा माइनस बाहर, तो वो दोनों माइनस इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे और ये बन जाएगा 2x साइन एक्स प्लस टेन एक्स। अब सारी बातें डिपेंडेंट है कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस एक्स अपॉन पाई लिखा हुआ है, तो देख लीजिए मैंने क्या किया, आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, जो क्वेश्चन होता है वही हमने किया है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया है, तो ये बिल्कुल भी ईजी नहीं है किसी फंक्शन को डील करना, ये डिपेंड करता है बेटा एग्जामिनर ने किस तरह से फ्रेम किया है। कितना ही आसान से आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, अगर एग्जामिनर चाहे, पेपर बनाने वाला चाहे, तो वो उसको बहुत अच्छे से पूछ सकता है। अगर वो आपको नंबर दे भी देगा ना, तो काफ़ी सारा टाइम ले लेगा, क्योंकि एग्जाम में टाइम का भी खेल होता है, ठीक है। मार्क्स तो मिल जाएंगे, पर हो सकता है टाइम उसने आपसे 5 मिनट ले लिए, तो 5 मिनट का जो कॉस्ट गया है वो कहीं ना कहीं किसी और सब्जेक्ट में से निकलेगा, होता है ऐसा ही, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट एक साथ चलते हैं पैरेलल में, घंटे तीन ही होते हैं, 30-30 चैप्टर सबके दिमाग में चलते रहते हैं, और हम वैसे भी थोड़ा सा नर्वस रहते हैं, अंडर प्रेशर रहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम होता है, साल भर की मेहनत होती है, बहुत सारे सपने होते हैं, तो बस एग्जामिनर टाइम ले लेता है वहाँ पर, गया टाइम ले लो, मार्क्स दे देंगे कैलकुलेशन सही होगी तो, पर टाइम हम ज़रूर ले लेंगे इसका, है ना। तो हमें बस वही चूज़ करना होता है कि वो क्वेश्चन हमें, बाकी क्वेश्चन उसके रिलेटिव कैसे हैं, अगर आसान है तो बाकी क्वेश्चन आसान वाले पहले करेंगे, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि सबसे पहले तो शुरू के आधे एक घंटे में पूरा पेपर हमें शुरू से आखिरी तक देखना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, डेटा बना लीजिए, हाँ तो ये डेटा निकल के आ रहा है अपने पास, ये तो रिजल्ट होता है, लेकिन हमारे पास जो यहां रिजल्ट आया है एफ ऑफ माइनस एक्स, देखो 2x साइन x टेन x, ये तो सेम बन रहा है, 1 भी सेम है, 2 भी बन रहा है, लेकिन इसके आगे माइनस है, तो ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस बाहर नहीं आता, ओके। तो अब हमें इसका प्रॉपर्टी क्या पता है, इसकी प्रॉपर्टी तो हमें ये मालूम है कि ये वाला रिजल्ट होता है। अब वहां क्या लिखा हुआ है वो जोर से देख ले, x अपॉन पाई है, तो यही रिजल्ट मैं x अपॉन पाई के लिए बना देता हूं, यहां आएगा x बाय पाई माइनस x अपॉन पाई इक्वल टू जीरो आएगा और माइनस वन आएगा, कब आएगा, अंदर वाली वैल्यू इंटीजर है तब, x अपॉन पाई इंटीजर है तब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ x इज ए मल्टीपल ऑफ पाई, ओके, तब और जब x n पाई का मल्टीपल नहीं होगा, तो यहाँ इक्वल टू आएगा ऊपर वाले में, तो इंटीजर वाली बात हमने पिक कर दी वहां से, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो x के बारे में इंटीजर होना चाहिए, जो डब्बे के अंदर लिख देंगे तो बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है ये इंटीजर आना चाहिए, तो x by पाई इंटीजर मतलब मान लिया n है, तो x की वैल्यू जब n पाई होगी तब ये जीरो रहेगा, जब नहीं होगी तो ये वाली बात बनेगी, तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट अब हम काम में लेंगे, ठीक है। तो जब n पाई होगा तो इसकी वैल्यू
दोनों का सम जीरो आएगा, जब एन पाई नहीं होगा तो इसकी वैल्यू माइनस वन आ जाएगी। ठीक है, इस रिजल्ट को यूटिलाइज करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में जहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर। तो आइए देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस फंक्शन को ही पहले ओपन कर लेता हूँ कि जब x की वैल्यू इंटीजर है यानी n पाई है तो क्या रिजल्ट आता है, और जब x की वैल्यू n पाई नहीं होगी तो क्या रिजल्ट आता है। देख ले हम इस बात को, आ जाओ। अगर n पाई है, n पाई का मतलब क्या होता है, पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, इनसे दोनों वैल्यूज पर साइन जीरो होता है, साइन पाई जीरो होता है, साइन टू पाई जीरो होता है और टेन भी जीरो होता है, गॉट दिस पॉइंट। तो फिर ऊपर वाला रिजल्ट तो जीरो आएगा, और जब n पाई होगा नहीं होगा तो फिर ये सारा रिजल्ट एज इट इज हम लिख देंगे। तो थोड़ा सा हमने इसको बाइफरकेट कर दिया है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। आ जाओ, जब x की वैल्यू है n पाई तो क्या होने वाला है, जब x की वैल्यू n पाई नहीं है तो क्या होने वाला है। जब हम n पाई रखेंगे तो बात वही है, साइन पाई, साइन टू पाई, साइन थ्री पाई, टेन थ्री पाई, सब जीरो। और जब हम n पाई नहीं रखते हैं तो क्या होने वाला है, उस रिजल्ट को देख लेते हैं। यहां है साइन एक्स प्लस टेन एक्स, इसका वैल्यू रखना पड़ेगा कि माइनस एक्स अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स पाई का क्या रिजल्ट आया था। देखिए, जब वो पाई होता है तब तो ये जीरो बन जाएंगे, लेकिन जब वो पाई नहीं होता है तब इन दोनों का सम माइनस वन आता है। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि मैं माइनस एक्स अपॉन पाई को क्या लिख सकता हूं, माइनस वन माइनस एक्स अपॉन पाई, गॉट दिस पॉइंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इस वाले रिजल्ट को हम ओपन कर देंगे, ये है टू, सो माइनस वन माइनस एक्स अपॉन पाई बना ये वाला रिजल्ट। ठीक है, आइए चेक करते हैं इसको क्या बनता है रिजल्ट। वी आर गेटिंग जीरो व्हेन एक्स इज एन पाई, व्हेन एक्स इज नॉट एन पाई। अब आओ रिजल्ट चेक कर लेते हैं कितना आता है, 2x sin x प्लस tan x, ये माइनस टू और ये वन है, माइनस वन बनेगा और यहां भी माइनस है, मतलब एक माइनस साइन कॉमन आ रहा है यहां से, वो माइनस साइन हम यहां लगा देंगे और ये बन जाएगा 2x अपॉन पाई। ओके, अब चेक कर लो, ये है अपना f ऑफ माइनस एक्स, ध्यान से चेक करना, एन पाई पर जीरो, एन पाई पर जीरो, और मैंने जीरो के बारे में क्या बताया था, जीरो तो ऑड और इवन दोनों होता है, जीरो तो ऑड भी होता है, जीरो इवन भी होता है, और जब एन पाई नहीं है तब इसकी वैल्यू ये वाला डेटा आ रहा है और यहां आ रहा है इसका माइनस, तो ये ऑड और इवन दोनों है लेकिन ये वाला ऑड है, तो ओवरऑल हमारा फंक्शन कैसा बन जाएगा, दिस विल बी एफ ऑफ माइनस एक्स। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, इट मीन्स इट इज एन ऑड फंक्शन। ऐसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन की तरफ हम इसको क्लेरिफाई करके ले जाएंगे। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए कैसा था, अब बताओ ऑड और इवन वाले क्वेश्चन भी क्या इतने बड़े होते हैं, देख लीजिए बिल्कुल होते हैं। चेक कर लीजिए शुरू से क्या क्वेश्चन था, कैसे हमने सॉल्व करने की कोशिश करी इसको, देखिए एक बार। ये था क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट किसने बताया, इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाया ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ने टू लिखा हुआ था, हमारे पास प्रॉपर्टी है अगर इंटीजर लिखा हो तो इंटीजर बाहर आ जाता है, टू बाहर आ गया, तो मैंने सात प्रॉपर्टीज लिखी वहां पर बेटा। अब चेक करना है ये वाली प्रॉपर्टी भी लिखी हुई, यह भी प्रॉपर्टी लिखी हुई जहां पर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ाया है, पहले हम पढ़ चुके हैं इस वाले टॉपिक को, पर इसीलिए पढ़ाया था क्योंकि ये टॉपिक्स बार बार आते हैं, बार बार आते हैं, जैसे मॉडुलस है बार बार आएगा, लॉग बार बार आएगा, एक्सपोनेंशियल बार बार आएगा, तो इसलिए हमने पहले ही इनको डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये वाला रिजल्ट होता है, और कोई डाउट भी है तो रख के चेक कर लो ना, अगर नहीं भी मालूम तो। वन रख लिया, वन माइनस वन जीरो, वन पॉइंट टू, ये देखो मैंने चेक करके बताया, पूरा समझाया भी, मतलब यहाँ भी तुम्हें फिर से मैंने पढ़ा दिया, रिवाइज करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत x की नहीं है, हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन पाई पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का अगर मैं चला जाऊँगा अंदर तो मेरे ऊपर कंडीशन आ जाएगी, गॉट इट। तो x अपॉन पाई माइनस ऑफ x अपॉन पाई, तो अंदर वाला डेटा इंटीजर यानी x अपॉन पाई इंटीजर, तो x अपॉन पाई की वैल्यू इंटीजर यानी n है, तो x की वैल्यू n पाई है, x की वैल्यू n पाई नहीं है तो फिर ये माइनस वन है। तो जीरो वाला केस हमने बनाते हैं तो जीरो आ जाएगा, n पाई नहीं है तो माइनस वन, तो जब n पाई नहीं होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले केस को माइनस वन माइनस दिस वाला डेटा, जब x की वैल्यू n पाई नहीं है। ओके, तो फिर हम कहे आगे, और हमने इस फंक्शन को थोड़ा ओपन करके दिखा दिया, n पाई और नॉट n पाई पर, n पाई होता है साइन पाई, टू पाई, थ्री पाई, टेन पाई, टू पाई, थ्री पाई, जीरो,
और एन पाई पर सेम डेटा, माइनस एक्स से रिप्लेस किया, अब यहाँ पर केस बन गया एन पाई पर, तो ये भी जीरो ही रहेगा। यहाँ बना डेटा, इसको क्या रिप्लेस पीछे से, कि इसको एन पाई जब नहीं होता है तो कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, माइनस वन माइनस द डेटा, ये रहा। तो बन गई बात, ये जीरो आ गया और इसके सामने आ गया है नेगेटिव, यानी ऑड फंक्शन है ये, तो ऑड और इवन दोनों होगा यहाँ पर, ऑड फंक्शन, तो कंप्लीट आंसर हम बोलेंगे दिस इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है गाइस, चलिए थोड़ा सा था ट्रिकी, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इसको ट्राई करने की कोशिश करनी है। दोनों चीजें इसके अंदर लिखी हुई है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, जिसके लिए एक बार ये इवन फंक्शन बन जाए, दूसरी बार ये ऑड फंक्शन बन जाए। सो ट्राई करो, लगाने की कोशिश करो, थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसको पूछा गया है कि कैसे हम इसको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो बनाने की कोशिश करिए, बन जाएगी बात। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक अनाउंसमेंट है बेटा, आज 9:30 अभी आपके पास एक स्पेशल क्लास होगी जो फ्री होती है अनअकैडमी की तरफ से, दैट इज़ अ फ्री क्लास, जिसमें मैं बाइनोमियल कोफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन सिखाऊँ। ठीक है, सो बी पार्ट ऑफ दैट सेशन टुडे। ठीक है, ओके, ये अनाउंसमेंट है, फ्री है वो, है ना, उसको कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं। इससे आपके दो चीज़ें होंगी, एक तो आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे बाइनोमियल थ्योरम का, और दूसरा आप उसके अंदर सीख जाएंगे कि जो हमारा अनअकैडमी प्लस है उसमें हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली आपका फ़ायदा है ये दोनों तरीके, सिर्फ एक घंटे की क्लास है, 9:30 से 10:30, सो बी पार्ट ऑफ दैट। ओके, हाँ जी बताइए क्या करें। एफएक्स दिया हुआ है ये डेटा, और एफएक्स इवन फंक्शन है, दूसरा बोला जा रहा है ऑड फंक्शन है। आइए बना लेते हैं, इवन फंक्शन अगर है तो यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स आनी चाहिए, इवन फंक्शन में तो यही होता है, तो बना लेंगे। तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखिए यहाँ पर, माइनस ऑफ ए माइनस टू एक्स प्लस थ्री ए माइनस फोर, और एफ एक्स रख देंगे हम, तो बन जाएगा ए माइनस टू एक्स प्लस थ्री ए माइनस फोर, थ्री ए माइनस फोर गेट्स कैंसिल्ड आउट, ये सारी टर्म उधर आ जाएंगी, टू टाइम्स ए माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, टू, टू आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन कितना बन जाएगा, ए का वैल्यू टू जीरो है, तो हम पहुंच रहे हैं थ्री ए माइनस फोर कितना बन गया, सिक्स माइनस टू, सिक्स ऑफ माइनस एक्स का डेटा बन जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, बना दीजिए, इसको बनाने की कोशिश करिए, इससे रिजल्ट आ जाएगा ए का, ट्राई करिए आंसर आएगा। मैं हट जाता हूँ सामने से, बना लीजिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ट्राई कर लो। ऑड वाला केस ऑड के हिसाब से बना देंगे, इवन वाला केस इवन के हिसाब से बना देंगे, ये कुछ और बोलता है उस हिसाब से इसको आप हैंडल कर लेंगे, सो नो प्रॉब्लम। जैसा क्वेश्चन बोले वो बोले वैसा करते चले जाओ, बन जाएंगे क्वेश्चन। बस थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन को थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना है, कैलकुलेशन गलत नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए इतना सा ध्यान रखना है बस, है ना, सब हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स बना देते हैं, नेगेटिव ए माइनस टू एक्स प्लस थ्री ए माइनस फोर, कुछ सिंपल हो रहा है तो सिंपल कर दो, कुछ सिंपल नहीं हो रहा है तो फिर देखते हैं फिर हम क्या होने वाला है, इसको सिंपल कर लेते हैं, माइनस ए माइनस टू एक्स माइनस थ्री ए प्लस फोर, तो दिस टर्म इज गेट्स कैंसिलिंग आउट, और कितना आ रहा है हमारे पास, ए वाली टर्म एक तरफ ले आओ, कॉन्स्टेंट टर्म एक तरफ, ए का वैल्यू आ गया अपने पास 4/3 बताया जा रहा है, कितना आ रहा है ए का वैल्यू 4/3। आओ चेक करते हैं, फंक्शन था क्या, फंक्शन तो ये था ए माइनस टू एक्स थ्री ए माइनस फोर, ए का वैल्यू 4/3 रख देंगे 4/3, तो 4/3 माइनस टू टाइम्स एक्स, और 4/3 ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो बन जाएगा। हमारे पास फंक्शन आ गया है निकल के, कितना यहां 6 बनेगा, तो 4 माइनस सिक्स विल बिकम माइनस टू, माइनस टू एक्स बाय थ्री। ठीक है, तो 6 माइनस 4 माइनस 2/3 ये बन गया अपना एफ एक्स, तो माइनस टू एक्स बाय थ्री दैट इज एन ऑड फंक्शन, क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन गया, हमारी बात कहानी बन गई, बात बन गई, तो दिस इज ऑड फंक्शन। तो ए के लिए कौन सी वैल्यू आई है, दिस इज आर आंसर, ये तो मैंने कंफर्म करवाया आपको लास्ट में जाके, देखो ऑड आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑड आ रहा है। यहां पर ए इक्वल टू टू था, इसके लिए
ये आंसर हो गया। फंक्शन कितना निकल के आया, 2 आया। मैंने बोला कांस्टेंट में नॉन जीरो होगा तो इवन ही होगा, कांस्टेंट जब जीरो होता है तब वो ऑड और इवन दोनों बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। हाँ, अब ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के लिए है, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे ध्यान से, ड्रॉपर्स हैं तो आपके लिए कोई काम का नहीं है, इतना ज़्यादा काम का नहीं, बस सुन सकते हो, 2 मिनट में ख़त्म भी कर देंगे। लेकिन अगर आप बोर्ड देने वाले हैं या कोई ड्रॉपर्स में कोई बोर्ड रिपीट करने वाला है तो इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ लें, छोटा सा टॉपिक है। क्या लिखा हुआ पढ़िए, लाइन तो मैंने लिखी रखी है। एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। हर फंक्शन जो कि ऑड नहीं है इवन भी नहीं है, लेकिन उसको हम तब भी ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अपने पास लिखा हुआ कहीं पर एफ ऑफ एक्स है तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। एक बात मुझे सोच के बताइए, क्या ये बात सही है, क्या है जो मैंने लिखा है? ऑड इवन तो बाद की बात है, पहले तो देख के बता दो ये वाली बात सही है क्या। 2 एलसीएम ले लें, सब ले लेंगे 2 एलसीएम। एफ ऑफ माइनस एक्स है, माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और एफ एक्स और एफ एक्स 2 ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाय 2, सेम ही है, दोनों बातें सेम है, चेक कर लो। 2 को ले लो एलसीएम, थोड़ा देख लो एक बार क्या लिखा है, थोड़ा देख लो एक बार, आराम से देख लो, थोड़ा सा देख लो क्या लिखा हुआ है। क्या सेम चीज है ना, दिख गई ना, सेम चीज है। तो अगर 2 एलसीएम ले लें तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स है, यहाँ एफ एक्स ऑफ माइनस ऑफ एफ एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और एफ एक्स और एफ एक्स हो जाएंगे 2 टाइम्स एफ एक्स डिवाइड बाय 2, एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है। अब स्टार्ट होती बात जो लिखी हुई है, तो मैं ये कहता हूँ आपसे कि ये वाला जो सेगमेंट है दिस इज ऑलवेज इवन फंक्शन, और ये वाला जो सेगमेंट है दिस इज ऑलवेज ऑड फंक्शन। अब आप ये वाली बात चेक कर लीजिए, देखो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो क्या ये माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा और ये एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन 2, यानी जो लिखा हुआ वही रहेगा, तो ये तो इवन फंक्शन बन गया। ये वाला पार्ट देखो, यहां मैं माइनस कर दूंगा वहां प्लस बन जाएगा, यहां माइनस करूंगा वहां प्लस बनेगा, तो इसमें से माइनस कॉमन आ जाएगा। लिख के बताऊं क्या, आ जाओ देखो, लिख के बता देता हूं यार क्या फर्क पड़ता है, आ जाओ अभी बना देते हैं। लो ये बन गई बात, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, अब मैं कहता हूँ इसमें से माइनस कॉमन आ रहा वही बन जाएगा, देख लो माइनस कॉमन ले लो सेम बन जाएगा। तो ये पार्ट बन गया है ऑड फंक्शन वाला पार्ट, ये बन गया इवन फंक्शन वाला पार्ट। अब पढ़ो जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने, ध्यान से देखो, रीड करो क्या लिखा है, कि हर फंक्शन को एवरी फंक्शन कैन बी रिटन एज सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। करेक्ट, इस फंक्शन को हम ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे ये कहूं देयर इज अ फंक्शन 2e पावर x, अब पहले तो हम इसके बारे में पता कर लेते हैं ये कैसा फंक्शन है। तो मैंने x को माइनस एक्स से चेंज किया, सो 2e पावर -x आ गया और ये बन गया है 2 अपॉन e पावर x। अब तुम सोच के बताओ कैसा फंक्शन है, ये था 2e पावर x, ये है 2 अपॉन e पावर x। ऑब्वियस सी बात है ये तो नैनो फंक्शन है, ये तो नाइदर ऑड है नाइदर इवन नॉर ऑड, नैनो फंक्शन बन चुका है, मतलब ये तो ऑड और इवन दोनों नहीं है। तो हम इस फंक्शन को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एवरी, देयर इज अ वर्ड रिटन एवरी, कोई सा भी फंक्शन हो चाहे वो ऑड हो या इवन हो या कुछ और हो, हर फंक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बोर्ड वाले लिख के पूछते हैं कि राइट दिस फंक्शन एज अ सम ऑफ, तो दिस वी विल राइट दिस फंक्शन एज अ सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शंस। तो इसका क्या फॉर्मूला था वो देख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये बनता है इवन वाला पार्ट, और नेक्स्ट वाला बनता है हमारा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ओके, आइए बना लेते हैं, इस फॉर्मूले में रख देंगे, ये बन जाएगा 2e पावर x 2e पावर -x डिवाइडेड बाय 2, 2e पावर x - 2e पावर -x डिवाइडेड बाय 2। ओके, चलिए आगे पहुंचते हैं,
हम पहुंचे e पावर x और यहां पहुंचते हैं e पावर माइनस x, e पावर x, e पावर माइनस x. गॉट दिस पॉइंट? दिस इज द एफ एक्स. अब चेक कर लीजिए क्या लिखा हुआ है. ये वाला जो सेगमेंट है दिस इज e1, ये वाला जो फंक्शन है दिस इज ऑड. अब कंफर्म करा लो क्या भाई सही बात है क्या. सो e पावर x प्लस e पावर माइनस x जो लिखा हुआ है ये है इवन फंक्शन और ये वाला जो फंक्शन है ये है ऑड फंक्शन. ठीक है चेक कर लो ऑड है या इवन है. यहां रिप्लेस करके देख लो x को माइनस x से सेम ही रहेगा और तुम यहां चेंज करके देख लो कैसा हो गया x को माइनस से माइनस कॉमन आ जाएगा. और दोनों को सॉल्व करोगे तो इस वाले को इसको काट देना यानी कि इसको वापस सॉल्व करके लिख दो कि सर ये दोनों तो कैंसिल हो गए वही आ गया. अरे वो तो आएगा ही ना वो तो यही कैंसिल हो गए थे वो क्या? नहीं आता कोई मजा भी नहीं आता उन्हें ये क्या फालतू बात पूछ रहे. बोर्ड वाले पूछते हैं क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता है लिखने के मार्क्स होते हैं. ठीक है तो देखो ये इवन फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है ये इससे कैंसिल हो गया ई पावर एक्स विल बिकम टू टाइम्स ई पावर एक्स. ठीक है इजी टॉपिक है नेक्स्ट चलते हैं आगे. ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इसको हम करने की कोशिश करेंगे. क्या लिखा हुआ है पढ़ो और ट्राई करो. एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर प्रूव दैट एफ है कैसे बात कर रहा है. ओके बनाओ कोशिश करो कि कैसे इसको हम अटेम्प्ट करें किस तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करें यह हमें सोचना है. बनाने की कोशिश करेंगे हम सभी कि कैसे इसको हम ट्राई करें. तो प्रूव क्या करना है सबसे पहले तो उसको पकड़ो. ऑड फंक्शन प्रूव करना है. ऑड फंक्शन तो हम सब जानते हैं ना क्या होता है कि अंदर अगर माइनस हो तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स बन जाता है. अंदर अगर माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाता है. बस ये कॉन्सेप्ट हमें पकड़ना है तब बन जाता है ऑड फंक्शन. इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम. एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई ये हमें गिवन है. और सबसे डेंजरस बात बेटा ये है इसका मीनिंग समझो. दिस का मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स के लिए सही है बात. ठीक है अब हमें लाना ये है कैसे लाए जाए इसी बात के तो मार्क्स हैं प्रूव करना है. तो अब लॉजिक बैठाओ इसके अंदर कि हम कैसे करें क्या बनाएं. तो एक्स ओ वाई को कुछ सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे भी करके एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स वाला रिजल्ट फटाफट से लेकर आ जाए. बनाइए कोशिश करिए ट्राई लगाइए दिमाग क्या करें किसको क्या रखें. वाई को एक्स रख लें क्या वाई को वन ओपन एक्स रख लें क्या वाई को माइनस एक्स रख दें क्या या कुछ और बातें करें या किसी को जीरो पुट करें इसी बात के मार्क्स हैं. प्रूव क्या करना है मैंने फंक्शन में एक इक्वल टू मतलब इक्वेशन हो गई है और फंक्शनल मतलब फंक्शन में इक्वेशन है. गॉट इट. तो फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं इसके लिए इसका टॉपिक का नाम क्या है. फंक्शनल इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं और उसने एक रिजल्ट दिया और पूछ रहे हैं प्यारे मेरे दोस्तों कि ये एक ऑड फंक्शन होगा ये प्रूव करके बता दीजिए. ठीक है लगाइए दिमाग लगाइए क्या करना चाहिए हमें इसमें. कोशिश करिए जितना कोशिश करेंगे उतना आप ये बात सीखते चले जाएंगे. हिंट चाहिए क्या दिख रहा है यहां पे x है यहां क्या है माइनस x है. अच्छा तो x वाली चीज तो हमें दिख रही है y दिख रहा है वहां पर तो क्या करना चाहिए हमें x को तो x ही रहने देंगे बट हम रिप्लेस कर देंगे y को किसके साथ माइनस x के साथ. ये सब्सटीट्यूशन हम कर देंगे x x रहेगा y को माइनस x रखेंगे हम पहुंचेंगे यहां पर एफ ऑफ एक्स के पास और हम यहां पहुंचेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स के पास. पहुंच गए. ऐसा करने से हमारे पास यहां डेटा बन गया है एफ ऑफ जीरो का और ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है. ये रिजल्ट आया फर्स्ट रिजल्ट आया है नंबर वन रिजल्ट. अब हमें किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए हमें जीरो की वैल्यू पता निकल के आनी चाहिए. तो जीरो की वैल्यू बनाने की हम कोशिश करेंगे. बनाने की कोशिश करिए क्या रिजल्ट आना चाहिए बताइए कैसा रिजल्ट आना चाहिए. बनाने की कोशिश करिए किसकी वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ जीरो की. तो क्या करें यहीं पर पुट कर देते हैं कि पुट x इक्वल टू जीरो. अब बना लो अब हो जाएगा फटाफट
एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकल के आ जाएगी। करिए ट्राई, ये वाली बात प्रूव हो जाएगी। कोशिश करिए बेटा, कोशिश करिए बाबा, कोशिश करिए। कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कर लिया है तो। मैं हट जाता हूँ साइड में, लो बनाओ, ट्राई करो। क्या बनाने वाले हैं हम सब? ट्राई करेंगे, अच्छे से ट्राई करेंगे, सीख जाएंगे। पता चला, जीरो रखते हैं तो यहां जीरो आ रहा है, टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, बन गई कहानी। कैसे क्या है, ऑड फंक्शन बन गया, तो ठीक है। चलते हैं हम आगे, अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक में मैं कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करूंगा कि यहाँ है एफ, यहाँ है जी, और यहाँ है एफ इंटू जी, यहाँ है एफ प्लस माइनस जी, और कुछ मैं एक चार्ट बना रहा हूँ जो आपको फिल करके बताना है कि क्या क्या होने वाला है, ठीक है। ऑड और इवन का, कि ये दोनों फंक्शन ऑड है, ये वाला फंक्शन ऑड है, ये वाला फंक्शन इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, और दोनों इवन है। अब आपको इस चार्ट को फिल करके बताना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं मल्टीप्लाई पर और एडिशन पर, ओके। कि क्या मैं यहां पर कंडीशंस बनाऊं कि क्या होगा, ओके। तो F और G के चार ही केसेस हो सकते थे, दोनों ऑड हो जाते, दोनों इवन हो जाते, ये वाला ऑड, ये वाला इवन, ये वाला इवन, ये वाला ऑड। तो इन दोनों फंक्शंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा आएगा इन दोनों में से, इस वाले केस में, इस वाले केस में, इस वाले केस में, और एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा तो कौन सा केस आने वाला है। तो लगाइए दिमाग, फिर इसको फिल करने की कोशिश करिए। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ इसके लिए, आप बनाइए इसको, दो तीन मिनट देता हूँ आपको मैं, आप इसको फिल करने की कोशिश करिए कि आप इसको कैसे फिल करते हैं और क्या बनाने की कोशिश आप यहाँ से करने वाले हैं, ओके। सो टेक योर टाइम, और इस चैनल को आप लोग सभी सब्सक्राइब करिए, आगे से आगे तक पहुँचाइए। स्पेशल क्लास में बता चुका हूँ बेटा, अभी 9:30 से एक घंटे की स्पेशल क्लास है, बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में वहाँ पर सीखेंगे आप। उससे प्लस का प्लेटफॉर्म जो है हमारा, उससे भी यूज टू हो सकते हैं कि कैसे प्लस का प्लेटफॉर्म हम लोग पढ़ाते हैं, क्यों हम हर सेशन में उसके बारे में बात करते हैं। रेफरल कोड आप लोगों को मालूम ही है, आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप ओम सर नाम लिख देना रेफरल कोड में, आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। आज हम पीरियोडिक फंक्शन शुरू कर नहीं पाए, हम कोशिश करेंगे। अब तक हो गया है, आज ऑड और इवन खत्म हो गया, अगले वाले लेक्चर से हम पीरियोडिक फंक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे से आगे बने रहिए, यही मैं बात आपको हर बार बोलता हूँ। ये क्वेश्चन कर लिया आपने, बना ली बात, क्या होगा सोचो। ये ऑड है, ये भी ऑड है, यानी इस पे माइनस रखूंगा तो माइनस बाहर आएगा, इसका माइनस भी बाहर आएगा, दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसका बनेगा। और मैं एडिशन की बात करता हूं या सब्सट्रैक्शन की बात करता हूं, क्योंकि दोनों ऑड है तो इसका माइनस बाहर आएगा, इसका भी माइनस बाहर आएगा, अल्टीमेटली वो पूरा माइनस बाहर हमें दिख जाएगा, तो फिर ये बन जाएगा इस वाले केस में ऑड, ऐसा बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। आगे आते हैं, एक ऑड है एक इवन है, यानी पहला वाला ऑड है तो इसका माइनस तो बाहर आएगा, और दूसरे वाला इवन है इसका माइनस खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर ये इवन है तो जी ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू जी एक्स के बराबर आएगी, यानी ये माइनस साइन डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन ये माइनस साइन बाहर भेजेगा, तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस बनेंगे, इस वाले केस में ये ऑड बनेगा, कैसा बन जाएगा ऑड। आगे बोलते हैं, यहाँ ऑड है इसका माइनस बाहर आएगा, लेकिन इसका माइनस नहीं आएगा बाहर, तो फिर ये तो कुछ और फंक्शन बन जाएगा। अगर यहाँ पर स्टार्टिंग में फंक्शन x प्लस जी है तो इसका माइनस तो बाहर आ जाएगा लेकिन इसका नहीं आएगा, तो अब ये दोनों फंक्शन तो अलग ही फंक्शन बन गया, ना तो ऑड है ना इवन है, दिस विल गो फॉर नैनो, कहाँ जाएगा है नैनो, नाइदर इवन और ऑड, ये इवन है, ये वाला ऑड है, ये इवन है तो इसका माइनस डाइजेस्ट खत्म, इसका माइनस रहेगा बाहर आएगा और माइनस बन जाएगा, दिस विल बी ऑड। फिर यहीं पर कहानी, ये इवन है इसका माइनस खत्म हो जाएगा लेकिन उसका माइनस रहेगा, तो यहां पर भी ये केस नैनो का बनेगा, ये सही बना आप लोगों का। इवन की बात कर रहे हैं तो बताइए, इसका माइनस खत्म, इसका ही माइनस खत्म, दोनों इवन है, इवन ही रहेगा, और लास्ट वाला भी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस डिसअपियर, जी ऑफ माइनस एक्स माइनस डिसअपियर, क्योंकि दोनों है इवन, लास्ट वाला केस भी इवन ही रहेगा। गॉट दिस पॉइंट,
बना लीजिए। यहाँ पर कुछ केसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पर इनके कि किस तरीके से बिहेव करते हैं, वो सारी बातें मैंने यहाँ पर मेंशन करी हैं। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर से हम पीरियोडिकली 10% डिस्काउंट। थैंक यू सो मच।